आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, रिड्यूसर कितने प्रकार के होते हैं? तो रिड्यूसर आपको वहाँ पर बोलना है, रिड्यूसर दो प्रकार के होते हैं, उसके दोनों का मैं नाम यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। इसेंट्रिक रिड्यूसर और कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर। आप ये दोनों की पहचान कैसे करेंगे? इंसेंटिंग रिड्यूसर की पहचान कैसे करोगे और कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर की पहचान कैसे करना है? या रिड्यूसर का जो अगर उपयोग पाइप में क्यों किया जाता है, तो इंसेंटिक रिड्यूसर की आपको जो पहचान करना है, इसकी पहचान होता है जो रिड्यूसर है आपको तीन साइड से आपको मुड़ा रहेगा और एक साइड से फ्लैट रहेगा। ये आपका कुछ इस प्रकार से इंसेंटिंग रिड्यूसर रहता है। और कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर जो है, ये आपको ये जो पाइप है, ये पाइप वाइप जाने के बाद ये चारों साइड से ही आपको कुछ इस प्रकार से रहेगा। तो इंसेंटिक रिड्यूसर दिखने में ऐसा रहता है, कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर दिखने में ऐसा, ये दोनों की पहचान कुछ ऐसे ही आप कर सकते हैं। और रिड्यूसर का जो उपयोग होता है, और रिड्यूसर का उपयोग होता है पाइप के अंदर जो भी मटेरियल जा रहा है उसका फ्लो को बढ़ाने के लिए रिड्यूसर का उपयोग होता है। तो आपसे जब भी क्वेश्चन में रिड्यूसर के बारे में पूछा जाए तब ये बता सकते हैं। पाइप जो है, आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है पाइप जॉइंट कितने प्रकार से किया जाता है, कितने प्रकार से किया जाता है। तो पाइप जॉइंट कितने प्रकार से आप कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको तीन प्रकार से पाइप को जॉइंट किया जाता है। नंबर वन होता है वेल्डिंग जॉइंट, जो ये दो पाइप को एक दूसरे से मिला करके वेल्डिंग के थ्रू जॉइन किया जाता है, वह वेल्डिंग जॉइंट। नंबर टू थ्रेडिंग जॉइंट, यानी कि थ्रेड के जरिए एक से पाइप दूसरे पाइप को जो जॉइन किया जाता है थ्रेड के जरिए। नंबर थ्री जो होता है फ्लैंज जॉइंट, जो कि फ्लैंज के जरिए एक दूसरे को पाइप को जॉइन आप आसानी से कर सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं फ्लैंज कितने प्रकार से जॉइन किया जाता है, तो आपको बोलना है फ्लैंज जो तीन प्रकार से, सॉरी पाइप तीन प्रकार से जॉइन किया जाता है, वेल्डिंग ने वेल्डिंग जॉइंट, थ्रेडेड जॉइंट और फ्लैंज जॉइंट। आपसे क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि पाइप में बेवल कितने डिग्री में होता है, पाइप में बेवेल, इसको भी शॉर्टकट में हम बोल देते हैं, यहाँ लिख दें कितने डिग्री में होता है। तो यहाँ पर मैं आपको पाइप कितने डिग्री में इसका बेवेल भी होता है, बेवेल वो भी बतलाएंगे आपको, और आप फार्मूला के जरिए कैसे इसको निकाल सकते हैं वो भी आपको बतलाएंगे। तो पाइप का जो आपको वेवेल होता है वो 37.5 डिग्री में इसका वेवेल होता है, ओके 37.5 डिग्री में इसका वेवेल होता है। इसको मान लीजिए आपको वेवेल निकालना है तो उसका आपको मैं फार्मूला बतला देते हैं। तो फार्मूला जो होता है थिकनेस डिवाइडेड 45 इंटू डिग्री इज इक्वल टू बेवेल। पाइप का जो थिकनेस है 20 mm है, तो हम लोग क्या करना है 20 डिवाइडेड 45 इंटू डिग्री। तो डिग्री क्या है, जो पाइप का जो हम लोग आपको बतलाएं
पाइप का वेवल कितना डिग्री में होता है, तो 37.5 डिग्री में होता है, हम लोग को 37.5 डिग्री का निकालना है, तो 37.5, इसको हम लोग कैलकुलेटर करेंगे तो इसका पाइप का बेवल का वो आपको मार्किंग का एक दूरी निकल जाएगा, 20 / 45 × 37.5, 16.66। तो 16.66 mm पे आप मार्किंग करके कटिंग सेट, जब कटिंग होगा तो आपको 37.5 डिग्री में भी आसानी से आ जाएगा। तो आपको क्वेश्चन में ज़्यादातर पूछा जाता है कि पाइप में वेवल कितने डिग्री में होता है, तो आपको उतना ही बोलना है कि 37.5 डिग्री होता है। उसके बाद पाइप आपको ड्राइंग के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो थोड़ा ड्राइंग के जानकारी भी आप ले लीजिएगा, आगे चल के हम ड्राइंग के बारे में वीडियो बनाएंगे, बट पाइप के कुछ ड्राइंग के भी जानकारी आप ले लेना है। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि पाइप में कितने प्रकार का मेटल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछेगा पाइप में कितने प्रकार का मेटल होता है, तो यहाँ पर आपको बतलाना है पाइप में 5 प्रकार का मेटल होता है। तो कौन कौन से नाम है, वो नाम है नंबर 1 MS पाइप, इसको यहाँ पर हम लोग बोलते हैं माइल्ड स्टील। नंबर 2 SS पाइप, स्टेनलेस स्टील। नंबर 3 CS पाइप, CS पाइप कार्बन स्टील। नंबर 4 GI पाइप। गैल्वेनाइज। और नंबर 5 CI पाइप। कास्टिंग पाइप। तो ये 5 नाम आपको याद कर लेना है कि